वाईफाई कॉलिंग एक अमेजिंग फीचर है लेकिन सबके लिए नहीं। उसका मतलब क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। सो नॉर्मली आप फोन कैसे करते हैं, तो आपका नेटवर्क जो होता है जियो का होगा एयरटेल का होगा, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है और एक कॉन्टैक्ट नंबर दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करता है और उसकी बेसिक रिलायबिलिटी होती है नेटवर्क पे। लेकिन अगर कभी नेटवर्क नहीं है, समझ लीजिए आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अंडरग्राउंड बेसमेंट में, जहाँ पे आपका वाईफाई स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्योंकि आपके घर पे राउटर काफी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे एयरटेल या जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा, उस टाइम पे फोन शिफ्ट हो जाएगा वाईफाई के बेसिस पे और वो वाईफाई की मदद से कॉल करेगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हर बार जहाँ नेटवर्क भी अच्छा और वाईफाई भी अच्छा है तो कंफ्यूज रहता है फोन कि उसे कौन सा नेटवर्क यूज करना है। यानी मेरा एक्सपीरियंस मेरे OnePlus 7 Pro में भी बहुत खराब था वाईफाई कॉलिंग के साथ और ऑलमोस्ट सिमिलर है मेरे iPhone 13 Pro Max में भी। इसीलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके कॉल सही नहीं जा रहे हैं या बीच में कट जा रहे हैं या फिर आप वाईफाई वाले जोन से निकल के ऐसे जोन में जाते हैं जहां वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, और अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है और अगर आपके कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं, कॉल में क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्ट कि आप एयरप्लेन मोड में डाल के उसे रिस्टार्ट तो करिए ही, लेकिन साथ साथ एक बार ये भी ट्राई करिए कि वाईफाई कॉलिंग को ऑफ करके देखिए। क्योंकि जेन्युइनली मेरे लिए वाईफाई कॉलिंग मुझे उतना बेनिफिशियल नहीं लगा, लेकिन ऑन थियरी ऑन पेपर वो काफी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है।